ऐसी ही उनकी किताब है। दिव्या दिल से कहती हैं और दिल से करती हैं, और इन्होंने जिस तरह से ऑब्जर्व किया है लोगों को जिनका जिक्र इसमें है, एक तो मुझे लगता है कि टाइटल ही कितना जेनरस टाइटल है, द स्टार्स इन माय स्काई, तो ये अक्नॉलेज कर रही हैं कि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरे आसमान में ये चमक आई है। मुझे लगता है कि एक्टर होने के नाते एक्टर्स इस बात को समझते हैं कि फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है, और आप अच्छा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके साथ जो टीम है वो अच्छा काम करे, और एक तरह से ये उस टीम को एक्नॉलेज किया है। मैं क्योंकि दिव्या की राइटिंग से ऑलरेडी वाकिफ थी, इनकी जो फिल्म जो किताब थी माँ एंड मी, उसका फॉरवर्ड भी मैंने लिखा था, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी जल्दी वो इसको लिख गई, और बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। अच्छा रहेगा आई थिंक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि आई कंटिन्यू टू वर्क, तो मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की हेलो की, फिर शेखर कपूर की व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, एमा थॉमसन और लिली जेम्स के साथ जो अब रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद अभी करण की फिल्म जो है वो अंडर शूटिंग चल रही है। यही कहना, मैंने पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि मुझे उसने इसमें शामिल किया, और मुझे बहुत पसंद है लड़की, इसकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है, और ये इसका बड़ा रेंज है, ये एक बड़ा शोखी भरा चुलबुला और ऐसा मस्त रोल भी कर सकती है, सीरियस रोल भी कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसकी, उसमें इसने एक थोड़ा सा वैम्पिश रोल किया है, और बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग और ड्राई औरत का, वो भी उतना ही कन्विंस है। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर, मैं तो जब भी काम देखता हूँ उसका हर बार इम्प्रेस होता हूँ, और हर बार मैं फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ उसे। आई कंसिडर अ वेरी वेरी गुड एक्टर, और उतनी ही वो दिलचस्प इंसान भी है, बड़ी मोहब्बत की, बहुत हस्ती मुस्कुराती हुई और सोचने वाली। शी इज़ अ थिंकर, ये जो लिखी है ये उसकी दूसरी किताब है, तो वो तो किताब तो वही लिखेगा ना, जो जो कुछ उसने किया है, जो कुछ देखा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में सोचा भी है, तो वही लोग लिखते हैं बुक, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, लोग कभी लिखते हैं कि भाई हमारा भी दुनिया में कुछ नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए हमको, लोग रिकग्नाइज करें, उसका ये रीज़न नहीं हो सकता। वो तमाम चीज़ें, पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, वो तो सब उसके पास है, तो आप क्यों लिख रही है? इसलिए लिख रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहती है, और इस बात की, इस डिज़ायर की हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, मुझे डिस्कस कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रही हूँ, एक चैप्टर आपका भी है, तो मैं, मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि भाई मुझे इस काबिल समझा उसने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू। दिव्या के साथ में कोई ऐसी यादगार पल है जिसको आप सब हर पल यादगार है, इसलिए कि वो जब भी मिलती है तो हमेशा एक ऊजिंग लाइफ और एक पॉजिटिविटी और एक खुश और मुस्कुराती हुई लड़की है, तो उससे तो जब भी मिलिए हर पल अच्छा ही गुजरता है। अच्छा सर, आप जैसे बताए कि दिव्या का हर किरदार आपको पसंद है, उनको कॉल करके बताते हो, तो अभी तक का कौन सा पिक्चर में किरदार आपको ज़्यादा पसंद आया? हाँ नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि एक किरदार नहीं, मुझे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर करती है तो अच्छी लगती है, ये बड़ी बात है, चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामेटिक हो, ट्रैजिक हो, एग्रेसिव हो, हर काम अच्छा करता है। So firstly, congratulate करना चाहूँगी book के लिए। Thank you. How much was this a roller coaster ride for you? All the writing process कैसा रहा आपके लिए? इट्स बीन अ क्रेजी रोलर कोस्टर राइड, बिकॉज मैंने जब पहली किताब लिखी थी अपने मम्मी पे, मी एंड माँ,
तो वो एकदम आई थिंक मेरे लिए कैथारसिस था, जो कहना चाहती थी सब निकला. और फिर सब ने बोला कि अब दूसरी किताब कौन सी है. सो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट एम आई सो पैशनेट अबाउट, एंड द ओनली वन थिंग आई कुड थिंक वाज मूवीज़. एंड मुझे लगा कि मूवीज़ की जर्नी जो है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ उसको सोच के, तो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल, एंड आई थॉट इट्स द पीपल, जो लोग उसमें हैं, जो लोगों ने मेरी इतना व्हाट यू से, कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली आपकी मदद करते हैं, कुछ अपने जैसे वो हैं उसी की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा इनरिच कर देते हैं. सो आई थिंक दिस बुक इज़ अबाउट दैम. एक एक चैप्टर हर सेलिब को डेडिकेट किया है. और ये जब मैंने किताब शुरू की तो लॉकडाउन का वक्त था, और मुझे लगा बहुत टाइम है, फट से लिख लूँगी. लेकिन लॉकडाउन में मुझे लगता दिमाग भी लॉक हो गया था, तो मन ही नहीं करता था कुछ लिखने को, तो थोड़ा लिखती थी और फिर बंद हो जाता था. और जब शूटिंग शुरू हुई उसमें मैंने फटाफट लिखना शुरू किया, एंड एक एक करके हर सेलेब की एक एक लाइफ की कहानी, एनेक्डोट्स. और सबसे मज़ा ये आया कि जब उनके रिएक्शंस मिले मुझे, क्योंकि हर एक का चैप्टर मैंने उनके साथ शेयर किया था. सो इट वाज ग्रेट कि आपका, आप जो उन्हें इतना प्यार करते हैं वो बहुत म्यूचुअल है, एंड दे रेसिप्रोकेटेड. तो हमने लिखे तो सारे चैप्टर आपके फेवरेट होंगे. अगर मैं एक चैप्टर अगर आपसे बात नहीं होगा, सब ये पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. सारे ही चैप्टर फेवरेट हैं. अमिताभ बच्चन सर ने लिखे हैं, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू कन्विंस हिम टू मेक हिम राइट दैट? आई थिंक ही सरप्राइजेस मी विद हिज जेनरोसिटी. लास्ट टाइम आई हैड रिक्वेस्टेड हिम टू यू नो लॉन्च माय बुक, ही वाज जेनरस इनफ, डिडंट इवन थिंक वंस, ही जस्ट सेड लेट मी नो व्हेन एंड आई विल बी देयर. एंड दिस टाइम आई सेड सर आई नीड दिस, एंड इट वाज देयर. सो it just feels so beautiful. I think this is what you earn out of the industry, and I'm so glad and ever grateful to Mr. Bachchan. Well, aapne although keh diya ki you know dimag lockdown mein band ho gaya tha, lekin Shabana ji ne kaha ki you know main ek kitab nahi likh pa rahi hu, aur Divya ne do kitab likhi. Wo unka, she's too sweet that way, and she's always very protective of me, but I'm sure wo jab likhengi to dhamaka hoga ekdam se, and she's going to write amazingly well. But she's my inspiration, absolutely. Every which way. And also congratulate करना चाहूँगी शेर कुर्मा के लिए. The movie has been getting lot of appreciation. आपको भी as an actor award से नवाजा गया है. क्या कहना चाहेंगी फिल्म के लिए, and क्या कहना चाहेंगे? वेल, इट फील्स ग्रेट जब आपको अवार्ड मिलता है. मैं मुझे लगता है कि ये एक रिजुविनेशन होता है एक्टर के लिए, कि आपको एक्नॉलेज करें आपके काम के लिए. और ये फिल्म बहुत ख़ास है, और बाहर ऑडियंस के साथ देखना, इतने दो सालों के बाद एक फिल्म ऑडियंस के साथ देखना और उन्हें रोते पाना, और इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग. एंड देन टू गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक अच्छा है. दिस इज़ नाइस, इतने वक्त के बाद अब फिर से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है. Lots of them. There are two web shows. There are three films. One is with Dibakar Banerjee. One is Dhakad. One is a film with Umesh Shukla. And there are two international films and three shorts. Yeah.